होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे आपको होम्योपैथिक विधि द्वारा समस्याओं का समाधान लेकर प्रस्तुत होते रहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ठंड के मौसम में, आजकल ठंड के मौसम में गले में खराश हो जाना की वजह से बुखार आ जाना, उस पर मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। अगर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, ठंड इस ठंड में आजकल लगातार लोगों को गले में खराश हो रही है और साथ में बुखार आ रहा है, तो उसमें अगर जो मेडिसिन बता रहा हूँ उसको इसका सेवन करेंगे तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए मेडिसिन बताते हैं। ये मेरी आदत भी है कि मैं बहुत ज़्यादा इस पर बोलता नहीं हूँ, सीधे मेडिसिन बताता हूँ। आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो बना के भेजता रहूँ कि किस चीज़ का वीडियो आप लोगों को चाहिए। चलिए, ठंड के मौसम में अगर बुखार आ रहा है, दिक्कत हो रही है और गले में खराश हो रही है और बुखार आ रहा है तो आप मर्कबीन रोबीर या मर्कबीन आयोड इसको लीजिए। दो बूंदे सवेरे, दो बूंदे दिन में, दो बूंदे शाम को। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 6 बार भी ले सकते हैं, दो बूंदे दिन भर में 6 बार भी ले सकते हैं। 3 से 5 दिन तक लेंगे तो काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा। इस तरह से अगली मेडिसिन है फेरमफॉस 6x में 6-6 गोली लीजिएगा, 6 गोली सवेरे, 6 गोली दिन में, 6 गोली शाम को। इस तरह से अगली मेडिसिन है टॉन्सिलेट, इसके लीजिएगा 3-3 गोली। इन दोनों को मिला के गर्म पानी में घोलते हुए, गरारा करते हुए, जैसे ये पानी है इसमें 6 गोली इसकी और 3 गोली टॉन्सिलेट की डाल के गरारा करते हुए और सिप की तरह पियेंगे। हाँ, गरारा करते हुए पियेंगे तो गले में की इन्फेक्शन की वजह से बुखार आ रहा है और गले में दर्द हो रहा है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। नए वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।